मुंबई के बोरीवली इलाके में रविवार की शाम को मिसेज इंडिया 2016 मोहिनी शर्मा माने का सार्वजनिक सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम भारत सनादय गौड़ सभा के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर मीरा भयंदर की नगर सेविका सुनील शर्मा, डॉक्टर संतोष शर्मा, सुदर्शना कौशिक सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने देश और समाज का नाम रोशन करने पर मोहिनी का सत्कार किया। इस अवसर पर मोहिनी शर्मा माने ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मेरी जिंदगी में हमेशा से ही जो भी नारी आई है, सबसे पहले मैं मेरी नानी का नाम लेना चाहूंगी, फिर मैं मेरी माताजी का नाम लेना चाहूंगी। इन नारियों ने मुझे इतनी प्रेरणा दी है कि मैंने कभी खुद को कहीं रुकावट में या फिर खुद को कभी किसी मुश्किल में पाया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मुश्किल आती थी मैं इनको देखती थी और मुझे जल्द से एक साहस आ जाता था, एक उम्मीद जग जाती थी, एक पॉजिटिविटी आ जाती थी जिससे मैं कभी नहीं रुकी, और इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं आगे बढ़ती चली हूँ। अब मेरे पिताजी का कहना हमेशा से था कि हम तो जितना पढ़ लिए पर हमारे बच्चे जितना हो सके उतना पढ़ने चाहिए, तो इसका मैं पूरा श्रेय मेरे पिताजी को देना चाहूंगी। उनके सपोर्ट से, उनके प्रोत्साहन से उन्होंने जितनी मुझे आगे बढ़ने की होश जगाई है, उन्होंने पूरा श्रेय इनको जाता है। उसी वजह से आज मैं एक MBA हूँ, लंदन से पढ़ी हुई हूँ, और एट द सेम टाइम जब मुझे पता था कि माता पिता जो भी किया है माता पिता ने किया है, तो पढ़ने के बाद मेरी जवाबदारी बनती थी कि आके फिर उन्हें जिस तरीके से भी, जिस रूप से भी होता है, वापस दे सकूं, और इसके लिए मैं वापस अपने भारत आ गई। आप घर गृहस्थी में लगे हो वो भी एक कला है मैं कहूंगी, क्योंकि घर गृहस्थी सबका तो काम नहीं है, महिलाएं करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, तो जाहिर सी बात है जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो, पर उसी वक्त अगर आप में कोई होश है, अगर आप में कोई उमंग है, अगर आपका कोई शौक है, उसमें भी थोड़ा टाइम, थोड़ा समय डालिए, थोड़ा टाइम उसमें भी स्पेंड कीजिए, उस चीज को भी आगे लाइए, और उसमें भी आप आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि मेरे साथ मैं कहूंगी वही हुआ, मैं पढ़ी लिखी, मैंने अपना व्यवसाय संभाला, मैंने अपना घर गृहस्थी संभाली, और फिर जहां मेरी इच्छा थी, जहां मुझे हमेशा जाने की होश थी, वह रास्ता अपनाया और आज मैं यहां हूं।